एक महीने का सफर और उस सफर में 8 संडे होता है, 4 संडे और 4 गेस्ट जाते हैं, तो हम लोग पूरा नहीं देते। ये 22 दिन की क्लास में तो एक बच्ची आती है बोलती है कि सर मेरे को माइक में बोलना आ गया। तो एक बच्चा आता है बोलता है सर मैं गाँव से आया था। एक लड़का कहाँ से? सारंगढ़ से। कौन है? कहाँ गया? हाँ सारंगढ़ से आया हुआ था रिश्तेदार के यहाँ, और उसकी क्लास इतना अच्छा लगा एक महीने तो वापस गए ही से हम लोग की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर बोले ना पिताम्बर सर तो बढ़िया करा दिए। एक बात बताओ, तुम आते हो मुझे सुनते ही नहीं, मैं कुछ भी करके बढ़िया करा पाता क्या? इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है जो जिंदगी में सीखना चाहता है। हम कहीं अपने समाज के नेगेटिविटी की वजह से उसको दबा देते हैं। जैसे अच्छा मिलता है आप सब कुछ भूल के यहाँ आ जाते। इसका मतलब क्या कि आपके अंदर अच्छाई ढूंढने वाला व्यक्ति आज भी है, वो अच्छाई ढूंढने में लगा हुआ है और बेचैन है, छटपटा रहा है कि कोई तो मेरी जिंदगी में मुझे अच्छा। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ एक महीने तक बने रहे और आपके अंदर छोटे उस बच्चे के एक बार काम मिले। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी ने आपको मौका नहीं दिया। मेरी कहानी हर जगह शेयर करता हूँ, लास्ट दिन शेयर करता हूँ। कई बार तुम्हारे घर के सदस्य हमको नहीं सुनते, होता है कि नहीं होता? तो एक बार हमारे और आपके लिए छोटा सा बच्चा था, अपने पापा से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, अपने पापा को कुछ बताना चाहता था। लेकिन पापा बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन में खोए रहते थे कि बच्चे से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता, जैसे कि बिजनेसमैन फैमिली में होता है। फिर उठता है, फिर भागता है, फिर पिताजी को देखता है, फिर गिरता है।
फिर पिताजी को देखता है, फिर गिरता है, फिर पिताजी को देखता है, फिर गिरता है, इतने में दौड़ करता हूं, एक बच्चा जीत जाता है, ये वही जमीन पर बैठ के रोते हैं। पिताजी दौड़े दौड़े आते हैं और करते हैं पैसे के, उन्हें साहस बेटा उठ मुझे गले लगा, उन्हें सॉरी पापा मैं आपको हरा दिया, मैं आपको हराने के लिए नहीं बुलाया, मैं दिखाना चाहता था कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे आज हार गया, मुझे माफ करो, मैं जल्दी में आपको कभी नहीं बुलाऊंगा, मुझे आज माफ कर। पिताजी बोलते हैं तुझे गले लगाना है, बोलते पिताजी मजाक मत करो, मैंने आपको हरा दिया, आई एम सॉरी। पापा कस के गले लगाते हैं, बोलते बेटा पता है तूने आज मेरा सीना चौड़ा कर दिया, बोलते ऐसा क्या किया मैंने, बोलते जो लड़का जीता है एक बार भागा और जीत गया, मैं तुझे देख रहा था तुझे जिंदगी में 17 बार गिराया और हर बार उठ के खड़ा हो गया, तूने आज दौड़ में 17 बार जिताया मुझे, इसीलिए जिंदगी में जब जब गिरना उठ के खड़े हो जाना, तुम जीत जाओगे, समाज के चंद लोग तुमको गिराएंगे, तुम उठ के खड़े हो जाना, तुम जीत जाओगे, आज के बाद ये दौड़ आपके लिए शुरू होता है। आज आप यहां से जाओगे लोग कहेंगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्या आप नहीं कर पाओगे, क्या आवाज में आप नहीं कर पाओगे, क्या आप नहीं कर पाओगे, आज आप यहां से जाओगे लोग बोलेंगे तुमको इंग्लिश नहीं आएगी, क्या आपको नहीं आएगी, आज आप यहां से जाओगे आपके रिश्तेदार बोलेंगे तुम किसी काम का नहीं, तू काला है, गोरा है, बौंदा है, दिखने में मोटा है, दुबला है, पतला है, क्या आप हार मान लोगे, बस इसी जज्बे को बनाया, इसी जज्बे को बनाए रखना, याद रखना गिरना मैंने नहीं रखता, गिर के कितने बार उठ लिए मैंने रखता है, झरना जितनी ऊंचाई से गिरता है उतने ही दिनों को जीतता है, हर बार गिरना हारने का कारण नहीं होता, गिर के जीतना भी जीतना ही होता है। थैंक यू आप सबका, आप सब ने एक महीना साथ दिया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पूजा में भी क्लास में जिलों में नाम दिया, 15 मिनट बिना ले लीजिए इनको, तब तक फोटो फोटो जल्दी करना है, कोई भी अकेले नहीं, दूसरा कोई भी बड़ा है इसका फोटो